जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम क्रिकेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो स्लोगन है वो बीएड पास भी पढ़ा सकेंगे अब पहली से पाँचवीं तक के। ठीक दोस्तों, जो प्राइमरी स्कूल होता था वो अभी तक सिर्फ टीटी मतलब बीटीसी वाले ही माने रहते थे, लेकिन अब बीएड वाले भी माने रहेंगे, क्योंकि सरकार कई लोग कोर्ट भी गए थे कि उन्होंने कहा जब मेरे पास बड़ी आ रहता है तो मैं छोटी आ रहता है क्यों नहीं ले सकता। और हाल ही में कुछ एक दो महीना पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कुछ आया था इसी के संदर्भ में। ठीक दोस्तों, तो पहले देखते हैं क्या बात है कैसे बात है। ठीक, तो बीएड वाले भी पढ़ा सकेंगे दोस्तों, इस पर साफ साफ लिखा है। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें बीटीसी वालों को कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, वो उनके लिए भी काम चलाओ वैकेंसी। अभी देखिए दोस्तों, 1,74,666 वैकेंसी है। ठीक दोस्तों, यूपी में, और यूपी में इतनी खाली होने के बाद भी अभी जल्दी आप ही को भी पता है 65,000, तो अभी भी काम चलाओ लगभग 1,10,000 बच्चे हैं दोस्तों। ठीक, तो ये भर्तियां निकलनी ही है, ऐसी बात नहीं कहीं नहीं निकलेंगी, क्या करेंगे रो रख कर। तो ठीक दोस्तों, यही मैं बताना चाहता था कि और जो बीएड पास जो लड़के हैं वो जो मतलब पढ़ा सकेंगे उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन दोस्तों उनको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ा। देखिए लिखा है, हालांकि नौकरी पाने के 2 साल के भीतर प्रतिभागियों को 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो ब्रिज कोर्स जानते ही हैं, नकल वकल होता है दुनिया भर के, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। और भी 6 महीने का वो ब्रिज कोर्स भी लग गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये तो हो ही जाएगा। उसके बाद लिखा है, हालांकि शिक्षक बनने के बाद ऐसे प्रतिभागियों को 2 वर्ष के भीतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से प्राइमरी शिक्षक के लिए 6 माह का डिप्लोमा लेना होगा। वही दोस्तों, डिप्लोमा लीजिए चाहे ब्रिज कोर्स कीजिए, दो में से एक कोई कर लीजिए। ठीक, और अब तो लेकिन दोस्तों बीएड वालों के लिए खुशखबरी है, और अभी तक जो दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में खाली वैकेंसी हैं वो देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा दोस्तों बिहार में खाली हैं, 2,03,050 वैकेंसी। ठीक, तो ठीक दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो धन्यवाद। और ये देखो दोस्तों, इसको मैंने बताना भूल गया, बीएड बीटीसी पास तो भी मान्य होगा टीटी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पुरानी खबर है। तो ठीक दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।